आज हम बात करेंगे हम अपने घर के लॉकर को प्रॉस्पेरिटी मैग्नेट कैसे बनाएं। जय गुरुजी। मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। आज हम बात करेंगे हम अपने घर के लॉकर को प्रॉस्पेरिटी मैग्नेट कैसे बनाएं, क्या हमें करना चाहिए कि वो अट्रैक्शन का पॉइंट बन जाए और हमेशा अबंडेंस बढ़ता ही रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। सो जैसे हम बात कर रहे थे, आपके घर में लॉकर होना ही चाहिए। अगर आपके घर में लॉकर नहीं है तो इसे आप ऐसे समझिए, अगर हम अपने घर में गेस्ट के लिए जगह नहीं बनाएंगे तो क्या गेस्ट आपके घर आना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिमिलर इज द एनर्जी ऑफ माँ लक्ष्मी। अगर आपने अपने घर में लॉकर नहीं बनाया, महालक्ष्मी का स्थान ही नहीं बनाया, तो कहाँ से महालक्ष्मी आएंगी और विराजमान होंगी? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इनपुट इज लॉकर जरूर बनाइए घर पे। अब लॉकर कैसे होना चाहिए और कहाँ उसका प्लेसमेंट होना चाहिए? कोशिश करिए घर के साउथ वेस्ट में आप लॉकर बनाइए, क्योंकि ये रिटेनिंग जोन है। कहीं से भी धन आता है तो रिटेन होता है साउथ वेस्ट जोन में, तो वहाँ पे आप अपने लॉकर का प्लेसमेंट बनाइएगा। लॉकर में क्या होना चाहिए? प्रिफरेबली कीप अ रेड कलर क्लॉथ इन द लॉकर। अब रेड ही क्यों? क्योंकि रेड अट्रैक्ट्स प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस एंड इट्स ऑल्सो हैज द स्ट्रेंथ टू मल्टीप्लाई। तो जो भी आप रेड कलर के क्लॉथ पे रखेंगे वो मल्टीप्लाई होगा। इसीलिए आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलर्स जो अपने बॉक्सेस देते हैं या पाउच देते हैं वो रेड कलर का होता है। सो ऑल द ज्वेलरी गोल्ड एंड डायमंड इज ऑलवेज केप्ट इन रेड कलर थिंग्स। सो लॉकर का प्लेसमेंट आप रेड कलर बनाइए एंड लॉकर के चारों तरफ कोशिश करिए या एटलीस्ट टू साइड्स प्लेस मिरर्स। अब मिरर्स क्यों? क्योंकि जो भी आपने ज्वेलरी रखा है या कैश रखा है उसका रिफ्लेक्शन उस मिरर में दिखना चाहिए, सो दैट मल्टीफोल्ड गेन्स होता है, अबंडेंस मल्टीप्लाइज। सो मिरर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब और क्या करना चाहिए? उसमें कभी भी कीज या अनदर कोई भी अनवांटेड डॉक्यूमेंट्स अवॉइड करिए। डू नॉट कीप एनी डॉक्यूमेंट्स एंड कीज इन द लॉकर्स। इट शुड बी ओनली फॉर द कैश एंड ज्वेलरी, गोल्ड डायमंड और प्रेशियस आइटम्स, राइट? अब कुबेर जी की एक छोटी सी आइडल भी आपको अपने लॉकर में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि कुबेर जी जो होते हैं वो खजांजी माने जाते हैं। जो भी ट्रेजरर है, धन के देवता है, उसके ट्रेजरर कुबेर जी को माना जाता है। इसीलिए आप उन्हें भी अपने लॉकर में प्लेस ज़रूर करिएगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सी दैट यू गेट अ ब्यूटिफुल प्रिंट आउट पिक्चर ऑफ आउल। आउल ही क्यों? अब माँ लक्ष्मी का आउल वाहन है एंड ऑल्सो आउल पे विराजमान होके माँ लक्ष्मी इवन रात में भी आते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि दिन में दुगना और रात में चौगना तरक्की करो, दैट्स द रीज़न। आउल को भी आप प्लेस करिए। अब आउल को आप कहाँ पे प्लेस करेंगे? लॉकर में जहाँ पे भी आपने कैश रखा, ज्वेलरी रखा, उसके पीछे के साइड में एट द एंड या तो आउल का आइडल छोटा सा या आउल का फोटोग्राफ, कलर्ड फोटोग्राफ आप प्लेस करिए। दिस ऑल्सो गिव्स, आउल जो होता है वो नाइट में भी क्लियरली देख सकता है। तो सिमिलर वे आपको विजन में भी क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप बिजनेस जॉब करते हैं तो यू विल बी एबल टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स, मतलब क्लैरिटी मिलेगी, डिसीशंस क्लियर होंगे एंड सक्सेस ज़रूर आएगा। दिस वे द प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस मल्टीप्लाइज। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी जान के आप अपने लिए अपने लॉकर को अच्छे से मनी मैग्नेट की तरह कर पाएंगे एंड बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी एंड मनी अर्जित कर पाएंगे। थैंक यू, गुड लक।